रोहित शर्मा अपने शानदार स्ट्रोक प्ले और लगातार बड़े स्कोर बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2007 में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलना स्टार्ट किया और तब से सीमित ओवरों के क्रिकेट में अग्रणी रन बनाने वालों में से एक बन गए। हिटमैन ऑफ क्रिकेट के नाम से भी प्रसिद्ध है बंसोर गांव, नागपुर, महाराष्ट्र में पैदा हुए रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कई रिकॉर्ड और मील के पत्थर हासिल किए हैं। एक गेंदबाज के रूप में खुद को स्थापित करने से पहले रोहित शर्मा ने एक गेंदबाज के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपनी शुरुआत की। उन्होंने अपने शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान कुछ ओवर गेंदबाजी की, लेकिन बाद में उनका ध्यान बल्लेबाजी पर चला गया। क्रिकेट के अलावा रोहित शर्मा एक प्रतिभाशाली कलाकार भी हैं। वो अपने खाली समय में स्केचिंग और पेंटिंग का आनंद लेता है। रोहित शर्मा हिंदी, मराठी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में फ्लुएंट हैं। इस भाषाई क्षमता ने उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के प्रशंसकों और टीम के साथियों के साथ जुड़ने में मदद की है। विराट कोहली की तरह रोहित शर्मा भी एक फुटबॉल उत्साही और स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड के प्रशंसक हैं। 2006 में रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने लिस्ट ए क्रिकेट में सर्वोच्च साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने देवधर ट्रॉफी में हैदराबाद के खिलाफ मुंबई के लिए 358 रनों की साझेदारी की। रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 2007 में उद्घाटन ICC T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। रोहित शर्मा का उपनाम हिटमैन उन्हें ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने ऑस्ट्रेलिया में 2007-2008 राष्ट्रमंडल बैंक श्रृंखला के दौरान दिया था। रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 3 दोहरे शतक, 200 जोड़ रन बनाए हैं। 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 का उनका सर्वोच्च वनडे स्कोर वनडे इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बना हुआ है। 2019 ICC क्रिकेट विश्व कप के दौरान रोहित शर्मा ने 5 शतक बनाए, जो टूर्नामेंट के एक संस्करण में किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे अधिक है। रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग IPL फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस MI का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने कप्तान के रूप में टीम को कई IPL खिताब दिलाए हैं। वो IPL इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं। रोहित शर्मा ने 2015 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 35 गेंदों पर शतक जड़कर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। ये रिकॉर्ड बाद में टूट गया, लेकिन यह उनके T20 कौशल को दर्शाता है। रोहित शर्मा 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं और टूर्नामेंट में बल्ले से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रोहित शर्मा को क्रिकेट में उनके प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार और प्रशंसा मिली है। रोहित शर्मा को 2015 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्जुन पुरस्कार भारत के सर्वोच्च खेल सम्मानों में से एक है और इसे युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 2020 में रोहित शर्मा को भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें क्रिकेट में उनके असाधारण प्रदर्शन और नेतृत्व की मान्यता में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। रोहित शर्मा को कई बार ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है, जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उनकी निरंतर उत्कृष्टता को दर्शाता है। रोहित शर्मा को प्रतिष्ठित क्रिकेट प्रकाशन विजडन क्रिकेटर्स अल्मिनेट द्वारा कई बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड नामित किया गया है। रोहित शर्मा को ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए गोल्डन बैट अवार्ड मिला है। रोहित शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के लिए C8 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। 2019 में भारत के मैडम तुसाद संग्रहालय में रोहित शर्मा की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। वनडे में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी T20 अंतर्राष्ट्रीय में संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक साझा रिकॉर्ड। एक विश्व कप संस्करण 2019 में सबसे अधिक रन। एक विश्व कप संस्करण में सबसे अधिक शतक 2019। T20 में संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंदों पर शतक बनाया साझा रिकॉर्ड। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे रिकॉर्ड। वनडे में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर
2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264, वनडे में उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर। वनडे में सबसे ज्यादा दोहरे शतक, 200 जोड़ रन, 3 दोहरे शतक। क्रिकेट विश्व कप के एक संस्करण में सबसे अधिक शतक, 100, 2019 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में 5 शतक। द्विपक्षीय वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन, 2013-14 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 491 रन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कृपया अधिक सुझाव के लिए भी टिप्पणी करें ताकि हम तदनुसार शैक्षिक वीडियो बना सकें। धन्यवाद।